जेएनयू का नाम तो वैसे शिक्षा के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन बीते कुछ सालों में जेएनयू में कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। इसके बाद एक नया मामला अब सामने आया। दरअसल इस बार जेएनयू गेट के बाहर और कैंपस के आसपास भगवा झंडे लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। ये झंडे हिंदू सेना की ओर से लगाए गए हैं। झंडे के साथ साथ पोस्टर भी लगाए गए हैं जिस पर भगवा जेएनयू लिखा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जेएनयू में भगवा का अपमान करते हैं लोग, हम आपका सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से भगवा रंग का अपमान किया जा रहा उसे हिंदू सेना सहन नहीं करेगी। उधर घटना पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के DCP ने बताया जेएनयू के पास सड़क और आसपास के इलाकों में कुछ झंडे और बैनर लगाए गए हैं। हाल की घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा लिया गया और उचित कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रामनवमी के मौके पर कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर ABVP और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। वहीं JNU में हुई हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी की VC का बयान सामने आया था। VC शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने कहा था कि मैं जनता की इस धारणा को ठीक करना चाहूंगी कि हम टुकड़े टुकड़े हैं, ऐसा JNU में कुछ भी नहीं है। पदभार संभालने के बाद मैंने किसी को भी इस तरह की बात करते नहीं देखा। हालांकि पुलिस के मुताबिक जो भी झंडे कैंपस के आसपास लगाए गए थे उन्हें उतार लिया गया है। अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही, आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।